नमस्ते सभी को। तो आज हम बात करने वाले ऊंचे आग के बारे में। नहीं मतलब वीडियो सी के ऊपर होने वाला था, पर मैं जैसे ऊंचा देखेंगे तो 5-10 मिनट लेट हो गया। और आपको पता है अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे अगर 5 मिनट लेट टिकट नहीं मिलती है। और जैसे मैं मतलब मैं जैसे पहुंचा तो मैंने मांगा भाई टिकट, भैया कहते हैं शो कैंसिल हो गया भाई, कोई नहीं आया था। मतलब फिर मैं कहते मैं क्या करूँ, मैं उसने कहा कि ब्लैक पैंथर देख लो। मैं कहा देखिए ब्लैक पैंथर मैं कैसे देख सकता हूँ, दिन में ब्लैक पैंथर देखेंगे तो मजा थोड़ी आएगा, मैं रात में दोस्त के साथ जाएगा ब्लैक पैंथर देखने को डर लगता है। फिर मैंने कहा कि जो 2:30 बजे या यशोदा शो देख लेते हैं। और जैसे मेरे को एक साउथ की मूवी है, इसमें थोड़ा बहुत एक्शन वैक्शन होगा, थोड़ा बहुत मतलब गाने वगैरह होंगे, थोड़ा वो सब होगा, थोड़ा ऐसा खिंची मिली होगा, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। मतलब अगर मैं ट्रेलर देखा तो ट्रेलर का पता चल जाता कि मूवी थोड़ी पहली बार तो एक लाइट टोन को फॉलो करती है, फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट लाइट टोन को फॉलो करती है। फर्स्ट हाफ में मतलब इंटरवल से पहले से थोड़ी अब मैं कहती हूँ अब मैं सीरियस हो रही हूँ और मूवी सीरियस हो जाती है। और यशोदा में मतलब समांथ ने जो रोल प्ले किया है उनको देख के एक वक्त क्लिप आ गया हो जाए, और मतलब क्या मतलब मैं तो पकड़ा गया भाई क्या चल रहा है। और पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं ट्विटर में घुसा था मैं थोड़ा अच्छा लिख गया एक मिनट, मैं मतलब देखा मैंने तो ट्विटर पूरा भरा हुआ था खाली चेयर से, भी जो कुछ आदमी वगैरह थे जिसमें मैं भी एक हिट था। पर है ना ये देखा कि भाई मूवी साउथ की मूवी है अच्छी होगी, मूवी सच में अच्छी थी। मतलब मैं तो एक्साइटेड था, मतलब मूवी में पहली बार तो जो बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया है, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव था, मतलब बुरा नहीं था। पर है ना ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ मैं इसको रिंग टोन बना लूँ, पर है ना इम्प्रेसिव था, मैं काम कर देता है एकदम, थोड़ा सा हाइप कर देता है अगर हम सुना हुआ ट्रेलर में, वो अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर। और जो एक्टिंग है समानता की जो एक्टिंग है और उसके वो एक तरीका मेरे को बहुत अच्छी लगी। और जो मेन विलन है मेरा नाम याद नहीं है, यहाँ पे लिख दे दूंगा, वो विलन का रोल बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से मतलब मूवी एक तरह से लाइट टोन को फॉलो करती है, फिर सीरियस फिर लाइट, मेरे से ये एक्सप्रेशन थे मेरे मूवी को देखते वक्त। मतलब हम अगर आपके पास टाइम है तो आप पक्का जाके इसको देखिए, मतलब एक एंटरटेनिंग मूवी है। और आप कुछ हॉलीवुड से अलग देखना चाहते हैं जैसे ब्लैक पैंथर या ब्लैक कुछ भी जो भी उससे अलग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आप है ना मैं चाहूँगा अपने बच्चों को ना ले जाए, क्योंकि इस मूवी में जो बात हुई है जैसे आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हो, किस मूवी में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वैसी वाली नहीं यार, इसमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि मैं इसमें फीटस वगैरह क्या मतलब जिस तरह से वो दिखाते हैं वो मतलब पहली बात तो बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज हो गया था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे सरप्राइज आ जाते हैं अच्छे अच्छे। और लक अच्छा था तो मैं देखा आया ऊंचाई की जगह, और ऊंचाई कैसे भी मुझे नहीं पता। और मतलब मैं तो कहूँगा इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी इस मूवी में पहली बात तो, और जो बैकग्राउंड को वो काफ़ी लाभदायक था। और जो इस तरह की जो स्टोरी है, स्टोरी अगर आप मेरी तरह कम दिमाग नहीं है आपका, कम दिमाग मतलब तो आप ना स्टोरी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे दिमाग ठीक ठाक है, मतलब मैंने स्टोरी को अगर आप मैंने पूरे 100 सेकंड पहले रिप्रेट कर लेता हूँ क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने, मतलब ऐसे अपने को हिंट पता चलता था। अगर आपने बहुत सारी मूवी देखी तो आपको पता चल जाएगा, पर अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं करते स्टोरी पे फोकस तो आपको नहीं चलेगा। और ट्विस्ट एंड टर्न अच्छे थे पहली बात, जो ट्विस्ट एंड टर्न थे देखे सब कुछ आ जाता है ऐसे सीट पे, मतलब क्या मतलब मेरे शॉकिंग कई बार वाव रिएक्शन थे। और पहले कि भाई ये प्रेगनेंट नहीं बताया कैसे कर सकती है ये साउथ की, फिर साउथ की मूवी जाए दो, पर उसको बाद में जस्टिफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि माँ की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है अपने बच्चों के लिए कैसे सड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं था डायलॉग मूवी में, उन्होंने सच में जस्टिफाई किया। और मतलब हाँ एंटरटेनिंग है ये पहली बात, मतलब इसमें एंटरटेनिंग है, मतलब जो मजा है मजा आता है इस मूवी में, उसमें एक्शन सीन अच्छे हैं। और उसके कहें मक्खन, मतलब जो स्टोरी थी वो एकदम मक्खन जैसी थी, मतलब मजा है ना एकदम स्मूथ और मस्त थी। मतलब इसमें जो कॉमेडी वगैरह है, कॉमेडी एलिमेंट इसमें इतने नहीं है, पर जो भी है काफ़ी अच्छे लगे मेरे को पहली बात। और मूवी स्टोरी अपने आपको फिक्स करती रहती है, ज़्यादा मतलब मस्ती भी नहीं करती है, स्टोरी से मजाक करके कुछ और करने लगे, स्टोरी में फोकस देता है मैंने और मजा आता है सही बात। तो मैं कहूँगा ये मेरे तीनों एम पास कर लेती है, मजाक मजेदार है और स्टोरी मतलब एकदम मक्खन जैसी है, और उसमें आपको थोड़ी बहुत मस्ती वाला जैसे ना स्टोरी आपको बोर नहीं करेगी पहली बात, बिल्कुल भी बोर नहीं लगती। तो मैं तो खुद एक्साइटेड था, आप बताइए आपका कहना है कमेंट सेक्शन में। मैं इसको दूंगा 8 स्टार आउट ऑफ 10। और आप कहना चाहते हैं कि चलिए मैं 8 स्टार देने वाला कौन होता हूँ जिसका बैकग्राउंड खराब है, देखिए हम हर जगह हैं, हम भाई है तेरा, मैं तेरा भाई है मैं भाई। और देखिए जैसे पता है
भाई लोग आपके बड़े भाई हैं मैं जैसे होते हैं वो हमेशा स्ट्रा वगैरह देते रहते हैं ऐसे फाल मतलब मजाक नहीं मस्ती मजाक, पर मैं तो एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। बिना स्पॉइलर दिए इतना ही बता सकता हूँ स्टोरी के बारे में, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आप इसको पक्का ट्राई दीजिए। और दिखा सकते हैं इसमें वैसा कुछ कॉन्टेंट नहीं है जो करना है उसको कहेंगे भैया ये क्या है ये क्या है? देख सकते हैं अब किसका वेट कर रहे हो, जाओ भैया ब्लैक पैंथर देख के आओ, यशोदा देख के आओ।